matter creates the difference of the denominator factors. If there are more factors, if there are more than two factors, जैसे अभी तो दो ही है, कौन से डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बच्चों बोलना? हाँ, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कौन से हैं? R और R plus one. R plus one. Then take extreme factors. Then take extreme factors. Okay, ये ब्रैकेट में जो लिखा है उसका इंपॉर्टेंस तो तभी आएगा जब तीन फैक्टर होंगे, तो तब क्वेश्चन में समझेंगे. ओके, इन्यूमरेटर क्रिएट द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स. तो इसका क्या मतलब है स्टेप टू? हाँ बच्ची, कोई बता सकता है क्या बोल रहा हूं मैं? कि R और R plus one का डिफरेंस कितना है? Anybody? One. So therefore, इस one को write down as that R plus one minus R. If in some question it would have been R into R plus three, what would I have done, बच्चों? R plus three minus R. यहाँ पे three बनाना पड़ेगा, पहले three तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों, three तो है ही नहीं ना. So पहले मैं क्या करता, one by three into three करता, और फिर इस three को क्या लिखता? R plus three minus R. क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. तो इन द न्यूमरेटर क्रिएट द डिफरेंस ऑफ द डिनोमिनेटर फैक्टर्स, स्टेप थ्री. स्प्लिट द जनरल टर्म, फिर गोल्डन लाइन है टू क्रिएट डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, क्योंकि यही हमें हर बार बनाना पड़ता है. टू क्रिएट डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इन विच वन टर्म is one step ahead of the other. इसका क्या मतलब है बताता हूं अभी. Ahead of the other. Okay, see here. Step three. Split करना है बच्चों. Tell me कैसे split करें. बोलो जल्दी से. R plus R plus one upon R plus one into R into R plus one minus R into R into R plus one. यहाँ से आर चला गया, यहाँ पे आर प्लस वन से आर प्लस वन चला गया. सो समेशन इज इक्वल टू कितना आ गया? वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन. यहाँ तक ओके बच्चों? यस सर. यस सर. प्लीज रीड द स्टेप थ्री. स्टेप थ्री को पढ़ो, बताओ तुम्हें समझ में आया क्या क्या ग्रीन पेन से लिखा हुआ है? टू क्रिएट डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. यस, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है इन विच वन टर्म इज वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर. तो मैं नहीं लगता बच्चों ये R और R plus one में R plus one इससे एक स्टेप आगे है. Come on. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. चाहिए. Yes, sir. वो चाहिए, वो भी step four में जब expansion करेंगे तब समझ में आ जाएगा. तो step four, expand the general term, expand the summation, and you will get an answer. Expand the summation and you will get answer. देखो इधर करते हैं अपन. तो जैसे ये डिफरेंस आ गया, नाउ वी आर लकी, आंसर आने वाला है R इक्वल टू वन से n है तुम्हें पता है. तो सबसे पहले एक्सपांड करते, तो R को कितना रखूंगा बच्चों? वन. क्या लिखूं बच्ची बोल? सिंपलीफाई नहीं करना, वैसे लिखना है. हाँ, वन बाय टू माइनस वन बाय टू. बिल्कुल करेक्ट. ये R को वन रखने से आया. नेक्स्ट R को टू रखना है बच्ची बोल? वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री. Very good. Next. 1/3 - 1/4. And so on. का आप last term बोल. Last term. 1/(n) - 1/(n+1). Good बच्चे. तो क्या अब सबको ये telescopic pattern दिखा है? Telescopic pattern मतलब हर term का एक term next term से cancel हो रहा है. क्या सबको visualize हो रहा है? वापस से repeat करो. हर term का एक term नेक्स्ट टर्म के किसी टर्म से कैंसिल हो रहा होगा. सबको दिख रहा है? यस सर. यस सर. क्या ये 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर. यस सर. हां, कहां से हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म से. करेक्ट ना? हां. यस सर. और यहां पे कौन कैंसिल हो रहा है? 1/(n). क्योंकि सबको पैटर्न दिख गया कि सेकंड टर्म नेक्स्ट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये प्रीवियस में कैंसिल हो रहा होगा और ये बच जाएगा ना? यस सर. और यहां पे ये बच जाएगा. So what is the final answer of the sum? 1 - 1/(n+1). तो LCM लेंगे तो
The final answer is n upon n plus 1 is the answer. क्या सबको टेलीस्कोपिक सिंपल लग रहा है? हो गया? हाँ सर. एक बार कॉपी करो फिर रिवाइज करते हैं. सारे स्टेप्स कॉपी कर लो पहले बच्चों. थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं. तो फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म लिख दो. उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का डिफरेंस काफी ऑब्वियस होता है, वही सेम टू सेम बनाना है. सर एक बार स्टेप फोर दिखाओ ना. हाँ बच्चा अभी स्क्रॉल डाउन करूंगा. ऊपर से देखना है तो देख ले, नीचे अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं. भी यस, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? सर वन मिनट. यस सर. कर लो कर लो कर लो और एक बार रिवाइज करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अच्छा बच्चों कभी जनरल टर्म वापस एक बार रिवाइज करते हैं. कभी जनरल टर्म मैं नहीं गेस कर पा रहा, ये तो हिट एंड ट्रायल से करा है. ऑल ऑफ यू एग्री? सर यस सर. कभी मैं जनरल टर्म नहीं गेस कर पा रहा, 1 2 3 का भी नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो कैसे करेंगे सर? थर्ड ऑफ डिफरेंस
मेथड ऑफ डिफरेंस वन टू थ्री का अलग से ले लेंगे ना, क्योंकि हमें ये तो पता ही है सबका, दूसरा वाला पार्ट तो प्लस वन है. कम ऑन. यस सर. सर वन टू थ्री का अगर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं मेथड ऑफ डिफरेंस लगा दूंगा, याद है ना सबको? यस सर. यस सर. तो देखो उससे भी आंसर आ जाएगा, आर आ जाएगा ना. एक बार चेक करते हैं, यूं ही वन प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस कितना है, वन 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 का सम एन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा. तो यहाँ पे एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो. देखो आ गया जनरल टर्म. एग्रीड? यस सर. यस सर. हाँ यस सर. कभी जनरल टर्म हेट एंड ट्रायल से नहीं निकाल पा रहे हो तो साइड में उसके किसी एक पार्ट के लिए, पूरे के लिए मत लगाना, वन इंटू टू के लिए नहीं चाहिए, किसी एक पार्ट के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देना बच्चों. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू सेवन एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स. सर इसके बाद एक बार वापस मेथड ऑफ डिफरेंस बोलो ना. मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोल रहा है सर, वापस बोलो ना सर, मैं मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, उसमें थोड़ा डाउट है. नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तेरे को रिवाइज करके आना चाहिए था, और रिवाइज करके आने के बाद तेरे को मेरे से पूछना चाहिए था, मतलब तेरे को या तो चैट पे ग्रुप पे पूछना चाहिए था क्या मेथड ऑफ डिफरेंस. अभी तो बात कर ली यार, अभी जस्ट कराओ तब तो पूछा नहीं, अब नया क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर पूछ रहा है गधों की तरह, मार खानी चाहिए. क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस एक बार बताना बच्चों. अगर मैं ये दे दूं, चलो एक नया क्वेश्चन यही, मुझे कोई टर्म दिख रहा है जिसमें मुझे 1, 4, 7, 10 का जनरल टर्म चाहिए. मैं तो एपी के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, बट लेट से एपी भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है. तो बच्चों बताना इसको मेथड डिफरेंस कैसे यूज करोगे. एनीबॉडी? सीरीज को शिफ्ट करके. नहीं नहीं वो सब उतना क्यों करना, अपने पास ये फॉर्मूला है ना गधे. वापस बोलो. हाँ सर. क्या है सर? 1 plus 3 into n minus 1. मेरे को पहले फॉर्मूला बोल बच्चे यार. t1 plus sum of difference s of difference n 1 minus. हाँ तो इसका क्या मतलब है इस पूरे टर्म का? summation of common difference. summation of difference पर summation of difference लोगे, बट पहले summation of difference किसका निकालोगे? n terms. भूल जाओ n minus 1 को, पूरा n terms का निकालोगे. फिर लिखने में n की जगह हर जगह क्या लिख देना? n minus 1. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3, 3, 3. तो 3, 3 का सब n terms के लिए कितना होगा? 3n. 3n. बट अब 3n लिखूं या कुछ और लिखूं? 3n minus 1. n minus 1. तो ये जनरल टर्म है देखो, 3n minus 2. चेक भी करते हैं देखो, n इक्वल टू 2 रखते हैं, क्या सेकंड टर्म 6 माइनस 2 4 है क्या? हाँ है. yes. समझ में आ गया बच्चे? yes. जो पूछ रहा था जो बच्चा, समझ में आया? हाँ सर. तो अब जल्दी से यहाँ पे जनरल टर्म बता किसका निकालेगा, हमें तो पूरे क्वेश्चन का जनरल टर्म चाहिए, बट तू जनरल टर्म किसका निकालेगा सोच के बता, किस सीरीज का जनरल टर्म निकालेगा? बोलो बच्चों, कोई भी और को बोल दो, किसका जनरल टर्म निकालोगे? सर वो सेकंड वाले टर्म्स का. 1, 3, 5 का निकाल लो. दो बार निकालना पड़े, दो बार निकालो. 1, 3, 5 का निकालोगे, फिर 3, 5, 7 का सेम पैटर्न के हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा. नहीं पता लगे तो उसका भी निकाल लेना. एग्रीड और नॉट? यस सर. बट ऐसा मेथड ऑफ डिफरेंस इस पे लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं करेगा, मतलब ऐसा है, समझ रहे हो? डिड एवरीवन गॉट दिस? यस सर. यस सर. तो 1, 3, 5 का जनरल टर्म बताओ जल्दी से मुझे निकाल के. कम ऑन, मुझे तो हिट एंड ट्रायल से दिख गया वैसे तो 2R-1 होगा, बट मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालो तुम जल्दी से. कम ऑन. फिर 3, 5, 7 का अगर नहीं कैचअप हो रहा है तो उसका भी ले लो एक बार फटाफट. ये क्या 5 या 10 सेकंड लग रहे हैं बस जनरल टर्म निकालने में. रोहन जल्दी से 1, 3, 5 का बता फटाफट.
tn is equals to t1 plus summation of the difference n को n minus one से replace कर कितना आया sir is it one plus two n minus into n minus one वापस बोल रोहन one plus two brackets open n minus one बिल्कुल सही तो उसको simplify कर थोड़ा सा one plus two n minus two तो कितना हो गया two n minus one तो यहाँ पे क्या लिखूं जो हमारा main question है उसमें क्या लिखूं one upon 1 upon 2n minus 1 into 3. हाँ अभी तक 2r minus 1 चुप रहे क्या ना इसे सब बच्चों को ये clear है कि 2r minus 1 2n की जगह r लिखता हूँ मैं वो तो सबको convenient है ना yes sir sir it would be 1 plus अरे चुप रहे ना यार जितना पूछना उतना बोला करना तो 1 3 5 का कितना हो गया 2r minus 1 अब हम सोच रहे हैं क्या ये उसका plus 2 है क्या बताओ हमेशा everyone Yes, sir. देखो yes, सब बच्चों तो बताओ क्या लिखूंगा रोहन तू भी बोल दे क्या लिखूंगा 2R plus 1 2R minus 1 plus 2 लिखूंगा yes or no yes sir yes sir तो उसको थोड़ा simplify करके लिख लिया कितना आ गया बच्चों everyone 2R plus 1 clear सबको ये general term आ चुका है तो ये अब struggle नहीं करोगे अब से अगली बार ये fast होना चाहिए Did everyone got that? Yes, sir. Yes, sir. Everyone got that? Yes, got sir. Yes. Yes, yes, sir. चलो. Yes, sir. करो अब आगे करो अब आगे करो. Next step क्या होता है? Difference बनाना numerator में. Come on. बताओ डिनोमिनेटर के टर्म्स का डिफरेंस कितना है बच्चों टू है तो टू को क्या कैसे बनाएं टू को हाउ डू यू क्रिएट टू हाँ टू आर माइनस वन माइनस टू आर प्लस वन बट यार टू तो है ही नहीं अभी सिखाया था ना भाई इसको मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई करके हाँ तो पहले वो करो फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इस टू को लिख दो जो लिखना चाहते हो कम ऑन यस निर्वेद रेवत कोई भी बताओ आचल टू को क्या लिखेंगे 2r plus 1 minus 2r minus 1 नहीं पहले प्लस आएगा दिमाग लगा हां ओके इब्राहिम करेक्ट चलो इब्राहिम बोलेगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है What do we do? So split the terms. Very good. Split the terms. Karo bachcho, everyone. Split karo. माइनस टू आर माइनस वन अपॉन टू आर माइनस वन इंटू टू आर प्लस वन टू आर माइनस वन से मन गया ये से ये गया तो हमारे पास आ गया समेशन हाफ ऑफ वन अपॉन टू आर माइनस वन माइनस वन अपॉन टू आर प्लस वन अच्छा इसका क्या आप एलसीएम ले लें इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें क्या नहीं ऐसे एक्सपेंड करें एक्सपेंड एवरीवन सुनो कुछ बच्चे पता नहीं क्या करते हैं क्या गधों की तरह फॉलो करते हैं सिखाने के बाद भी यहाँ पे वापस एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम ले लोगे वापस कहाँ पे पहुंच जाओगे ऊपर ऊपर पहुंच जाएगा हाँ गधा बनती नहीं करनी अब वी आर रेडी विद द बताओ क्या वो गोल्डन लाइन रेडी हो गई है सबको रियलाइज करो ग्रीन पेन से जो मैंने लिखी थी सबको याद है यस सर यस सर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स रेडी हो गया है इसमें ये टर्म एक स्टेप आगे है अभी पता लग जाएगा अब एक्सपांड करो कम ऑन लिमिट्स क्या है वैसे r = n r = 1 to n चलो एक्सपांड करो कम ऑन
फाइनल आंसर जल्दी से बोलो बच्चों या चैट पे लिखो। ओके रोहन, यस अदर्श जल्दी से आंसर दो भाई। आर को वन रखा कितना आया बोलो, आर को वन रखने से 1/1 -1/3 वेरी गुड। आर को 2 रखने से 1/3 -1/5 अब तो पैटर्न दिख गया ना, नेक्स्ट टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है ना। यस सर, कैंसिल आउट। एन रखने से ये बच गया, तो बताओ ये 1/5 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कौन कैंसिल हो जाएगा 1/2 n-1 जो बचा है उसको सिंपलीफाई करो ना यार, जल्दी से आंसर दो मुझे। करेक्ट तनिष, सो एस का आंसर फाइनली आ गया। एलसीएम ले रहे हैं बस 1 or 2n+1 का एलसीएम, 2n+1 -1, 1 से 1 चला गया, 2n/2 × 2n+1, 2 से 2 चला गया, सो फाइनल आंसर इज n/2n+1। कोई डाउट किसी को? यस, किसी को डाउट बच्चों? ओके चलो क्वेश्चन को रिवाइज करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना मेरी हेल्प के करोगे। तुम सब गधों की तरह कहां पे अटकते हो बताओ, फर्स्ट स्टेप में अटकते हो जनरल टर्म के लिए। अरे एवरीवन मेरे साथ इंटरेक्शन चाहिए, जनरल टर्म में अटकते हो तो जनरल टर्म में मैंने सिखाया हुआ है क्या है, पूरे का जनरल टर्म नहीं निकालोगे, पहले फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स का जनरल टर्म अलग से निकालो। करेक्ट प्रमा? यस सर। यस सर। यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस हमारा फॉर्मूला के थ्रू जनरल टर्म निकाल लो, ये निकल गया फिर रियलाइज करो कि ये तो वहां पे रखना है मेन क्वेश्चन में और ये उसका एक ही पार्ट है। कम ऑन, यस सर। अब जो उसका दूसरा पार्ट है उसमें पैटर्न देखो भाई कि वो उसका प्लस टू है, प्लस थ्री है, इंटू टू है, इंटू थ्री है, ऐसा कुछ पता कर लो तो लिख लो आराम से। नहीं पता कर पाए तो क्या सबको क्लियर है उसका भी जनरल टर्म अलग से निकाल ही सकते हो ना? यस सर। यस सर। तो कभी सेम पैटर्न के हिसाब से पता लग जाएगी प्लस टू है, प्लस थ्री है, तो वेरी गुड, अदरवाइज अलग से निकाल लेना और फिर मेन क्वेश्चन में रख दो। क्या सब कर पाओगे अब अगर मैं एक दो क्वेश्चन और तुम्हें से? यस सर। यस सर। चलो फिर कॉन्फिडेंटली करना, जनरल टर्म फटाफट निकालना। फाइंड द सम 1/3 × 7 + 1/7 × 11 + 1/11 × 15 and so on till n terms. Come on, करो। पहले जनरल टर्म किसका निकाल रहे हो रफ में? फर्स्ट टर्म। हाँ बोलो किसके, कौन सी सीरीज का निकाल रहे हो? कम ऑन। 3, 7, 11। वेरी गुड, 3, 7, 11 का जनरल टर्म निकालो। कम ऑन, बिल्कुल सही आयुष, आगे बढ़ फिर मेन क्वेश्चन का जनरल टर्म लिखा।
वो भी चैट पे लिख दे अगर तू सोच पा रहा है तो। करेक्ट तनिष, अब मेन क्वेश्चन का जनरल टर्म देख, पूरे क्वेश्चन का जनरल टर्म क्या है? पूरे क्वेश्चन का ये नहीं है बच्चे, पूरे क्वेश्चन पे तो दो टर्म्स है ना, 3 × 7 है। आयुष सोचा कर यार, सबका आ गया भाई ये वाला पार्ट, रफ वाला पार्ट तो आ गया होगा। 3 + डिफरेंस कितना है 4 4 4, तो 4n आता है, बट n की जगह n-1, सिंप्लीफाई करके रखना। कितना आ गया एवरीवन, सबका आ गया इतना? यस सर। प्रीत बिल्कुल करेक्ट है, तनिष बिल्कुल करेक्ट है। अब जल्दी से मैं 30 सेकंड्स वेट कर रहा हूं, मुझे यहां पे ये टर्म लिख के बताओ क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर। हमारे मेन क्वेश्चन का जनरल टर्म क्या होगा, पहले तो 3-7 वाले पार्ट का लिख दो, फिर ये 7-11-15 का भी सोचो जल्दी से, चैट पे लिखना हो तो लिख सकते हो। प्रीत एंड तनिष आगे बढ़ो, बिल्कुल सही लिखा था तुमने। आयुष बिल्कुल सही है, बट उसको सिंप्लीफाई कर ले बस। चलो सब बच्चे लाउड वॉइस में बोलो, जनरल टर्म क्या लिखूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुम जो बोलोगे वो लिखो। 4r-1 × 4r + 3। वेरी गुड, 4r-1 + 4। प्लस बच्चो, यस सर, व्हिच यू टोल्ड मी बिल्कुल करेक्टली, इट इज 4r + 3। क्या सब बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ाओ, डिफरेंस बनाओ और फाइनल आंसर बताओ मुझे चैट पे, लेट्स सी इसका सही आता है। ओके रोहन चेक करते, गुड बच्चे कॉन्फिडेंटली कर रहा है, बट चेक करते हैं फिर तेरा। सही तो लग रहा है वैसे, रोहन सही लग रहा है, इब्राहिम की थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। हाँ करेक्ट इब्राहिम, तो सही करके बता। Yes, everyone, फटाफट, अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है, तो 1/4 पहले क्रिएट करो। आई होप सबने कर लिया इतना, और फिर इस 4 को लिख भी देता हूं मैं तो। अब 4r + 3 - 4r - 1, फिर स्प्लिट करेंगे, कोई गलती नहीं। आयुष थोड़ी गलती करी है तूने, प्रीत बिल्कुल सही है, 1/4 समेशन को स्प्लिट किया तो ये पहले में कैंसिल हो जाएगा, 1/4r - 1 -1/4r + 3। अब एक्सपांड करने का टाइम आ गया है, कम ऑन। आयुष बिल्कुल करेक्ट, आयुष गुप्ता। अदर्स कहाँ है भाई, आंचल आंसर चाहिए, बादल
इब्राहिम ने दिया, हाँ इब्राहिम ने दिया। बाकी बच्चे फटाफट आंसर लाओ। निर्वेद आंसर नहीं आया अभी तक। दूसरे बच्चे सुजल आंसर जल्दी। बादल बिल्कुल करेक्ट, गुड बच्चे। श्रुति अरे वेरी गुड। तनिष नालायक, सुदीप परफेक्ट बच्चे, गुड। प्राइवेटली नहीं मेरे को भेज दे, वो मेरे को ही आएगा, प्राइवेटली नहीं जाता है। अच्छा चैट आज एवरीवन में कर रखी मैंने, होस्ट ओनली कर दिया। चलो आयुष बिल्कुल करेक्ट हो गया आप, गुड। चलो बच्चों अब आंसर निकाल लें। आर को वन रखा तो वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन इलेवन एंड लास्ट तक कर दिया तो वन अपॉन फोर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन फोर एन प्लस थ्री। तबाही 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 तबाही। एस इज इक्वल टू वन बाय फोर इंटू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन फोर एन प्लस थ्री। बच्चों एलसीएम ले लिया आप, थ्री इंटू फोर एन प्लस थ्री ऊपर आ गया, फोर एन प्लस थ्री माइनस थ्री, थ्री से थ्री चला गया। सो फाइनल आंसर वन बाय फोर इंटू फोर एन अपॉन थ्री इंटू फोर एन प्लस थ्री है ना, फोर से फोर चला गया। So that is your final answer. N upon 3 into this. Bali 3 को open करके लिख दो ये answer. क्या सबको अब तो confidence आ रहा है? Yes, sir. Easy है ना, बस general term के बाद तो easy होता है ना? हाँ sir. But इसमें अभी थोड़े variation डालूंगा, धीरे धीरे थोड़ा level बढ़ाएंगे अभी। तो गधों की तरह क्यों करता है तनिष? कोई डाउट किसी को? सर टेलीस्कोपिक सीरीज क्या है, डेफिनेशन क्या है? तेरे को हर चीज की डेफिनेशन चाहिए भाई? डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये थ्योरम है क्या? डेफिनेशन लिखाऊंगा कुछ हैं? ये तो बस नाम है बच्चे, एक साइंटिस्ट का नाम था टेलीस्कोपिक या ऐसा कुछ होते ना सरनेम्स, तो उसके नाम के पीछे टेलीस्कोपिक सीरीज बोल दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the sum 1 upon 1 plus root 3 plus 1 upon root 3 plus root 5. Yeah, root 3 plus root 5. ठीक है. Plus 1 upon root 5 plus root 7 and so on till n terms. अच्छा ये बताओ तुम रफ में जब अभी जनरल टर्म निकालोगे तो किसका निकालोगे, वन थ्री फाइव का निकालोगे या वन रूट थ्री रूट फाइव का निकालोगे? व्हाट डू यू थिंक? वन थ्री फाइव का। वन थ्री फाइव का। चलो इतना तो इंटेलिजेंट हुआ है, वन थ्री फाइव का निकालोगे। लेट्स से टू आर माइनस वन आ गया तो यहाँ पे टू आर माइनस वन प्लस समथिंग लिखोगे या रूट टू आर माइनस वन प्लस समथिंग लिखोगे? रूट टू आर माइनस वन। रूट। वेरी गुड। चलो अक्कल लगाओ और करो। Do this question on your own. पूरा आप तुम्हें ही करना है, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल टर्म बता दूंगा बट जनरल टर्म तक तो फटाफट करो। कम ऑन
यस जनरल टर्म क्या लिखा बताओ अब तक तो आ जाना चाहिए रूट टू आर माइनस वन प्लस रूट टू आर प्लस वन वापस बोलना बच्चे दो बोल एक बार रूट टू आर माइनस वन प्लस रूट टू आर प्लस वन वेरी गुड परफेक्ट है किसी को डाउट है ये जनरल टर्म है यस सबको क्लियर है ये जनरल टर्म है यस सर चलो अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों यार फिर अगर तुमने देखा सारे क्वेश्चन में जनरल टर्म में नीचे मल्टीप्लिकेशन था ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट यस सर सारे क्वेश्चन में जनरल टर्म में नीचे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हम डिफरेंस इजीली बना पाते थे और स्प्लिट इजीली कर पाते थे डू यू एग्री विद मी हां सर तो यहां तो प्लस है तो ऐसा डिफरेंस बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है उससे स्प्लिट करके कोई ऐसा स्प्लिट नहीं होने वाला है इंस्टेड ऑफ दैट क्या करोगे कम ऑन ऐसे अंडर रूट नीचे दिखते हैं तो हमारी इच्छा ही होती है बचपन से क्या करने की कम ऑन रैशनलाइज हां वेरी गुड तो रैशनलाइज इट उसके बाद अपना आप ही डिफरेंस बन जाएगा करो रैशनलाइज इट वेरी गुड बच्चे अमाउन रश प्लस किया होगा तो कुछ प्रोडक्टिव तो बन ही रहा होगा डेफिनेटली बन रहा होगा यस हुआ या नहीं हुआ बच्चों आंसर नहीं लिखा अभी तक चैट पे अच्छा लिखा है भाई ओके रैशनलाइज करा सबने रूट किससे करेंगे रैशनलाइज रूट टू आर प्लस वन क्योंकि ये बड़ा है ना इसलिए इससे नहीं तो नेगेटिव में आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा एवरीवन गॉट दैट यस सर क्या लिखूं नीचे बताओ फिर अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं वापस लिख रहा हूं चलो तुम्हारे लिए दिस इनटू दिस
अब बताओ नीचे क्या आएगा बच्चों? a square minus b square. हाँ वो तो फॉर्मूला आया, बता a square कितना है, क्या लिखूं a square को? root 2 r minus 1 plus 1 समेशन नीचे कितना आ गया, देखो 2r से 2r चला गया, नीचे 2 आ गया, तो यस बताओ क्या, बताओ डिफरेंस ऑफ टू टर्म बन गया है क्या, जिसमें ये टर्म इससे एक स्टेप आ गया, ऐसा कुछ बन गया क्या, फील आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ यस सर, तो लग रहा है देखो ये इसका नेक्स्ट पार्ट का ही लग रहा है, 2R minus 1, 2R plus 1, एक्सपांड कर दो अब आंसर आएगा, देखो राइट बिल्कुल सही है बादल, सुदीप सही है, चल आई होप सबने कर लिया है। एक्सपांड किया, आर को वन रखा तो रूट थ्री माइनस रूट वन, आर को टू रखा तो रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो पैटर्न दिख गया, ऐसे कैंसिल हो रहा है, करेक्ट और नॉट? यस सर। रूट टू एन प्लस वन माइनस रूट टू एन माइनस वन, बताओ रूट वन तो बचा ही बचा है, यहाँ पे और कौन बच जाएगा? रूट टू एन, रूट टू एन प्लस वन बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आई होप एवरीवन इज फाइन इन राइटिंग डाउन प्लस वाला पहले एंड रूट One is this, so this is the final answer. Everyone comfortable? हाँ बच्चों, everyone yes, comfortable? Sir. Yes sir. अब होने चाहिए थोड़े फटाफट है ना? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, don't worry. तो मैं प्रैक्टिस शीट भी दूंगा आज, आज ही करके लानी है। आगे बढ़े, सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबका हो गया है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चूज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। ये वाला करो, चलो एक प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द सम 3 अपॉन 1 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। चलो आप कॉन्फिडेंटली करोगे।
जनरल टर्म सबने लिख दिया? यस सर। चलो चेक करो जनरल टर्म क्या लिखा, कोई बोल सकता है? एनीबॉडी कॉन्फिडेंट पर्सन? समेशन ऑफ 2r + 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू r + 1 द होल स्क्वायर। अरे वेरी गुड यार, क्या ये सबको क्लियर है? दिस इज जनरल टर्म, किसी को डाउट? एनीबॉडी? आर प्लस थ्री नहीं है, टू आर प्लस वन है। बच्चों देखो, जैसे इसका वन टू थ्री का सबने गैस कर लिया आर स्क्वायर होगा, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर का प्लस वन है तो ये भी सबने गैस कर लिया। अब तुम इसका नहीं निकाल पा रहे हो तो अलग से निकालो ना यार। और कभी भी जनरल टर्म में डाउट आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे आर प्लस थ्री लिख रहे हैं क्योंकि वन के कारण थ्री है, तो आई डोंट नो आर प्लस टू लिख रहे हैं, तो चेक कर लो यार दूसरे टर्म के लिए आ रहा है क्या। आर प्लस टू के लिए तो टू प्लस टू फोर आ जाएगा, बट ये तो फाइव है, मतलब ये गलत है। 2R plus 1 के लिए चेक करो, देखो R को 2 रखो, 2, 4 plus 1, 5, yes, बिल्कुल सही है। क्या सबको क्लियर हो गया? समझा सर? Yes, sir. तो कभी लिखने के बाद एक बार चेक कर लिया करो, जैसे कुछ बच्चे इसको लेके आगे बढ़ गए थे R plus 2, तो चेक तो करो यार कि तुमने जो लिखा है वो सही है नहीं, R को 2 रख के चेक कर लो। और फिर करेक्ट वाला कैसे निकालना है, मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल लो। चलो अब आगे बढ़ो जल्दी से, फटाफट फिनिश करके आंसर निकालो मेरे लिए। अनुश्री क्या कर रही है, तो जनरल टर्म लिख रही है, क्या लिख रही है? फाइनल आंसर तो एन के टर्म्स में आएगा ना? हाँ चल का बिल्कुल सही है। यस, अब स्प्लिट कैसे करें? एनीबॉडी कैन वी राइट द न्यूमरेटर एज द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स? देखो यस सर, यस सर, डायरेक्टली हो पा रहा है, डायरेक्टली ही हो पा रहा है, कम ऑन, वेरी गुड। ये 2r plus 1 को मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ, r plus 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, चेक करो। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही है रोहन, परफेक्ट आंसर। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है रोहन? ओके चलो चलो जल्दी बच्चों। और तनिष चलो आंसर निकाल रहे हैं। स्प्लिट किया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 स्क्वायर आ गया। अब सुन लो, तुम बच्चों मेरे साथ काफी सीख चुके हो तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ एक्सपांशन का भी। सब सुन रहे हो इधर? यस सर। इधर देखो शॉर्टकट, ताकि बार बार ये लंबी लाइन लिख के फिर ऐसा नहीं करना पड़े। तुमने ऑब्जर्व किया शॉर्टकट में
एक टर्म पहले वाले टर्म का बचता है और एक टर्म लास्ट टर्म वाले का बचता है, एग्री करो? यस सर। तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली करो कि अगर लोअर लिमिट से अपर लिमिट है, वन से एन है, तो यहाँ पे जो भी छोटा टर्म है, कौन सा छोटा टर्म है, आर स्क्वायर या आर प्लस वन? आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, छोटा टर्म अपर टर्म। तो लोअर टर्म में लोअर लिमिट लिखो वन अपॉन वन स्क्वायर, और अपर टर्म में अपर लिमिट लिखो, बस आंसर आ गया। बताओ यही आया था तुम्हारा, देखो चेक करो। यस सर। बस एक स्टेप अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ गया सबको? यस सर। देखो यही आता है, एक्सपांड करोगे तो यही कैंसिल होके आता है, कम ऑन, वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर, टू स्क्वायर से टू स्क्वायर गया, थ्री स्क्वायर से गया, तो ये और यही बचते हैं, वही मैं डायरेक्टली लिखने के लिए बोल रहा हूँ, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो ये कर सकते हो, बट ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, अगर टर्म्स कंसेक्यूटिव कैंसिल नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, सुनना ध्यान से, अभी दो तीन क्वेश्चन के बाद आई विल गिव यू वन क्वेश्चन जिसमें टर्म्स कंसेक्यूटिव कैंसिल नहीं होंगे, टर्म्स ऑल्टरनेट कैंसिल होंगे, समझ में आया, यहाँ और यहाँ कैंसिल नहीं हो रहेंगे, वो यहाँ और इधर कैंसिल होंगे, तब ये गड़बड़ करेगा, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो तब वहां पे देखेंगे, बट पहले से मैंने तुम्हें वॉन्ट कर दिया, बट ये अब डायरेक्टली कर पाएंगे सब बच्चे बिना एक्सपांशन के, ऐसे डायरेक्टली लिख पाओगे? हाँ सर। चलो अगर ऐसा होता तो क्या करते बताओ, r माइनस वन माइनस वन अपॉन r प्लस वन, r इज इक्वल टू लेट्स से टू से n, तो बताओ क्या लिखता, कौन सा छोटा टर्म है? r माइनस वन द होल स्क्वायर, वन अपॉन r, लोअर लिमिट, उसमें कौन से लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट, तो वन अपॉन टू माइनस वन का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन द होल स्क्वायर। सबको क्लियर? और लगाने से पहले चेक करना पड़ेगा ना कैंसिल हो रहा है, चेक करना चाहिए, कंसेक्यूटिव कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो तेरे को चेक करना चाहिए, जैसे दिख रहा है मुझे या वन या टू, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कब कैंसिल नहीं होंगे, जब वो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म होंगे, बच्चे ऐसा होंगे ना, तब तब गड़बड़ाएगी, करेक्ट? यस सर। यस सर। जैसे ये देखो एक दूसरे के कंसेक्यूटिव नहीं है, बट आर और आर प्लस वन तो कंसेक्यूटिव है ना? यस सर। गुड, तो यही आंसर है, फाइनल आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर एलसीएम लेके छोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, n प्लस वन होल स्क्वायर, n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, सिंप्लीफाई भी करना है तो तुम्हारी इच्छा है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन ने कैसे छोड़ा, तो फाइनल आंसर ये भी छोड़ सकते हो, किसी को डाउट? यस सर। बोल सर, वो और इसके पहले वाला समझो ना, वो रेशनलाइज में, उसमें थोड़ा अलग था ना, मतलब आगे पीछे थे ना टर्म्स, आगे पीछे मतलब सर, मतलब सेकंड टर्म कैंसिल हो रहे थे ना, हाँ, उसमें कैंसिल, तो उसमें यूज कर सकते हो, उसमें भी रॉन्ग हो जाता है ना, बिल्कुल यूज कर सकते हो, यहाँ पे छोटा टर्म कौन है, दिस इज द लोअर टर्म ना? यस सर। एंड दिस इज द अपर टर्म ना? हां हां समझा, देख यहां पे भी आ गया, हां यहाँ पे अपर टर्म रखेगा 2n plus 1 और इसमें लोअर रखेगा 1, तो देखिए आ गया डायरेक्टली। हाँ सर। ओके। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहा हूँ, थोड़ा सा, फाइंड द सम 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 1 upon 1 plus, ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ, एग्री करो? Yes, sir. बस ये टर्म्स क्या थे, न्यूमरेटर में थे, अब डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाते हैं तो टेलीस्कोपिक का बन जाता है, बट तुम्हारे स्टेप सेम है, दिमाग लगा के जनरल टर्म लिखना, डू दिस।
ओके बच्चे देखते हैं इब्राहिम. यस सबने जनरल टर्म क्या लिखा वही करेक्टली बताओ दोगे तो आई वुड बी हैप्पी. क्या जनरल टर्म लिखा ये आर इक्वल टू वन के लिए, ये आर इक्वल टू टू के लिए, ये आर इक्वल टू थ्री के लिए. एनीबॉडी वेरी गुड बच्ची वेरी गुड इब्राहिम. बच्ची को ना चली थी. यस सर. यस गुड. सो देयरफॉर समेशन सबको क्लियर हो गया है कि यस इसका आंसर क्या होता है. लाउड वॉइस एवरीवन. समेशन ऑफ आर. हां हां आंसर बोल. n n plus 1 upon 2 n into r into r plus 1. प्लीज बी क्लियर कब r के टर्म्स में लिखना है कब n के टर्म्स में लिखना है. ये r तक है तो r के टर्म्स में आंसर आएगा. इज दैट क्लियर. यस यस सर. हां अब ये तो बहुत इजी वाला टेलीस्कोप है. ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट. दो बार आ गया. यस सर. तो जल्दी से आंसर निकालो. तो मुझे नहीं समझ आया आपने ए पार्ट में क्या किया. तो खुद समझो वापस ट्राई कर सोच. तो पुराने नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे इसका मतलब सेम क्वेश्चन हमने पहले भी लिया हुआ है. वापस ट्राई करो एक बार फिर मैं समझाऊंगा बट अभी नहीं. खुद से ट्राई करते जाओ कि कैसे लिखा सोचो थोड़ा फाइट फॉर इट. चलो ये वापस समझा रहा हूँ. ये तो आई थिंक आ जाना चाहिए बट वापस समझा रहा हूँ सुन लो. ये r इक्वल टू वन के लिए फर्स्ट टर्म है, ये r इक्वल टू टू के लिए है, ये r इक्वल टू थ्री के लिए है. तो सबको पैटर्न दिख रहा है यार कि वन से स्टार्ट हो रहा है और थ्री है तो थ्री तक जा रहा है. ये r इक्वल टू फोर के लिए है तो वन से स्टार्ट हो रहा है फोर तक जा रहा है. तो r इक्वल टू जनरल टर्म मतलब r इक्वल टू r के लिए तो यही आएगा ना वन से लेके r तक. बच्चे क्लियर जो भी पूछ रहा था. हाँ सर उतना तो क्लियर है. उसके बाद आपने कैसे किया वो पूछ रहा हूँ. अरे यार मतलब सच्ची में मतलब तू है ना आज ही पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि पहले कभी पढ़ा ही नहीं तूने. वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन का क्या फॉर्मूला होता है. एन बाई टू वन प्लस एन माइनस वन डी. हाँ बच्चे मतलब रोहन ये दिखा रहा है कि देखो सच्ची में मतलब है ना मेरे को एक दो थप्पड़ मारने चाहिए कि पढ़ाई करनी नहीं है आज ही पढ़ाई करनी चालू करी ऐसा लग रहा है. ये समेशन आर नहीं है n into n plus 1 by 2. जल्दी याद कर. हाँ समझ आ गया सर. तो बच्चा बताओ बताओ रोहन मेरा गुस्सा जाया जाया नहीं है. हाँ मतलब तू अभी तक अच्छा कर रहा था और ये कल के मतलब सिंपल फॉर्मूला याद नहीं है. चल रोहन इसका आंसर बता. समेशन r स्क्वायर का क्या आंसर है. यस रोहन जल्दी बताओ. सर n n plus into n plus 1 I guess into 2n plus 1. यार रोहन सच्ची में I am not happy with you. By 6. तू अभी इतना अच्छा बच्चा लग रहा था और तेरे को नहीं लगता ये बेसिक फॉर्मूला याद करने में तेरे दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ रहा है यार. हैं क्यों नोट्स रिवाइज करके आया ही नहीं है. बिल्कुल भी लिख के रिवाइज नहीं करके आया. सर मैं अंधेरी से शिफ्ट हुआ इधर. आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है पुवाई में.
क्यों किसी से भी शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन क्लासेस पे तो था या नहीं था किसी और बैच में था सर मतलब बहुत टेस्ट थे उधर तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं किया इसलिए मैं मिस किया थोड़ा क्यों मिस किया भाई व्हाई यार तुम सबको एक बार ना लेक्चर देना पड़ेगा अपने हिसाब से ऑनलाइन लेक्चर है रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपने हिसाब से लेक्चर मिस करो मैं बाद में कर लूंगा फिर तेरे को भी फील आ गया होगा नहीं हो पाता है बहुत प्रेशर पड़ता है यस नो ऐसे गधो टाइप डिसीजन मत लो यार चलो आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल रोहन यहाँ तक कंफर्टेबल हो गया आप ओके अब आंसर निकाल लेते हैं आपको टेलीस्कोपिक है डिफरेंस वन ही है आर प्लस वन माइनस आर आर इंटू आर प्लस वन स्प्लिट कर दिया समेशन आर प्लस वन कैंसिल हो गया आर आर कैंसिल हो गया यस कंजुगेटिव टर्म्स हैं एवरीवन शॉर्टकट यूज कर लें यस सर यस सर बिल्कुल कंजुगेटिव है तो लोअर लिमिट ऑब्वियसली वन से एन है तो ये लोअर वाला पार्ट है ये अपर वाला पार्ट है तो लोअर पे लोअर वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन LCM n plus 1, बिल्कुल सही रेवती n plus 1 minus 1, 1 से 1 cancel, final answer is 2n upon n plus 1, किसी को doubt, otherwise फटाफट आगे बढ़ना चाहता हूँ सर बोल सर मैंने उसको summation of 1 upon summation of r r plus 1 लिया और फिर shortcut से किया जो आपने किया था wrong आया मेरा क्या बोल रहा है थोड़ा वापस बोल सर जो और सुन लो कभी भी यार समझाओ मैं तुम्हारी स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ तुम क्या लिख रहे हो नहीं देख रहा हूँ तो थोड़ा धीरे बोला करो सर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया मैंने तो अरे कौन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ कौन से स्टेप के बाद की बात जहाँ तक जनरल टर्म आया उसके बाद वाला स्टेप s equals to 2 summation of 1 upon हाँ ये वाला इसमें न्यूमरेटर को मतलब ऐसा लिखा summation of 1 upon summation of r into r plus 1 ये तो लिखा हुआ है r into r plus 1 हाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में समेशन डाल दिया मैंने तो वो डाल दिया तो टू डाल देगा तो सही थोड़ा हो गया ये बता भी चुका हूँ समेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू समेशन ए इनटू समेशन बी बिल्कुल गलत है प्लस में स्प्लिट होता है मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट नहीं होता है नालायक ओके सर थैंक यू है ना कभी भी मत करना ऐसा कि समेशन ऑफ एफ इनटू जी ये समेशन ऑफ एफ इनटू समेशन ऑफ जी नहीं होता है बच्चे ठीक है कब कब स्प्लिट होता है जब बीच में क्या हो प्लस तब स्प्लिट हो सकता है हाँ प्लस या माइनस ऐसे स्प्लिट मत कर देना यस सर और किसी को कोई डाउट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू फोर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स 2 into 4, 3 into 5 आएगा, sorry. Plus 1 upon 4 into 6. Plus up to n terms. बिल्कुल करेक्ट रहती करो फिर इजी है
सबने जनरल टर्म तो लिख लिया आई एम श्योर. यस सर. तो जनरल टर्म इज कितना एनीबॉडी? आर इनटू आर प्लस टू. आर प्लस आर प्लस टू. ओके अब स्प्लिट करो, दोनों का डिफरेंस टू है. स्प्लिट करो जल्दी से. इस टू को लिखेंगे आर प्लस टू माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस टू. यहां तक तो फटाफट पहुंच जाओ. स्प्लिट करने के बाद आर प्लस टू कैंसिल हो गया, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस टू. यहां तक सब आ गए? यस सर. यस सर. ओके अब मेरे साथ सुनना, जितना मैं पूछूं उतना ही रिप्लाई करना. ऑब्वियसली क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं जितना तुम सोच रहे हो ना, गलती होने के चांस है. यहाँ तक बिल्कुल सही है. हाँ एक्सपांशन में गलती है. अगर आप तुमने लोअर लिमिट यहाँ पे रख दी, अपर लिमिट यहाँ पे रख दी, जैसे यहाँ पे लोअर क्योंकि ये लोअर पार्ट है या अपर पार्ट है, यस आई एग्री, बट ये रख दिया तो ये आंसर बिल्कुल गलत है. कौन बताएगा क्यों गलत है? कंसेक्यूटिव नहीं है, अल्टरनेट कैंसिल होंगे. हाँ दे आर नॉट कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या करोगे? प्रॉपर एक्सपांड करके देखो पैटर्न. बिल्कुल सही रेवती करो. याद है अभी जो मैं बताया था तुम्हें, ये बताया था ना मैंने? Yes, sir. कंसेक्यूटिव नहीं होते हैं. प्रॉपरली एक्सपांड करो, समझ में आ जाएगा. आर को वन रखो, आर को टू रखो. कमान देखो कंजुगेटिव कैंसिल नहीं हुए भाई. तो जब तक कैंसिल नहीं हुए टर्म्स को लिखते जाओ पैटर्न देखने के लिए. 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6. चार टर्म्स के बाद तो सबको पैटर्न दिखा. यस चार टर्म्स को जल्दी से स्टेयर करो और बताओ क्या पैटर्न है. हाँ एवरीवन अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहा है. 1/3 से कैंसिल हो रहा है, 1/4 से कैंसिल हो रहा है, मतलब अल्टरनेट कैंसिल हो रहे हैं. सबको थोड़ी सी फील लेनी, इधर देखो लिखना बंद, सबको थोड़ी सी फील लेनी है कि 1/3 वाला पार्ट तो आगे से कैंसिल हो गया, 1/4 आगे से कैंसिल हो गया. यहाँ पे 1/2 कभी कैंसिल होगा क्या बताओ? नहीं सर. कैंसिल नहीं होगा. वॉट अबाउट 1 कैंसिल होगा कभी? नहीं होगा. अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो एक टर्म और लिख के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. देखो 1/5 माइनस 1/7, अब तो आगे आगे बढ़ रहे हैं तो 1/5 कैंसिल हो रहा है ना. कमॉन. यस सर. यस सर. ऐसे ही 1/6 भी कैंसिल हो जाएगा. एग्री करो. यस सर. हां सर. मतलब मैं बिल्कुल करता हूं कि ये दोनों टर्म तो बचे रहेंगे. कमॉन एग्रीड. यस सर. यस सर. यस सर. अब तुम स्मार्ट हो, थोड़ा सा बताओ लास्ट में एक टर्म लिखना चाहिए या दो टर्म लिखना चाहिए हमें? कमॉन सर. दोनों. दो टर्म. लास्ट के दो टर्म लिखने पड़ेंगे. कमॉन एवरीवन ऑब्जर्व. देखो अगर 1/7 तक लिखा है तो दो टर्म बच गए ना. कमॉन लास्ट में भी देखो. कमॉन एवरीवन. अगर मैंने 1/7 तक लिखा था तो भी वो और उसके एक पहले वाला भी बच गया ना. कमॉन. यस नो. यस सर. देखो अगर मैं एक और टर्म लिखूंगा तो भी तुम देखना वापस दो टर्म बचेंगे. देखो नेक्स्ट टर्म भी लिख रहा हूं मैं 1/6 माइनस 1/8. अभी भी पैटर्न देखो, 1/6 तो कैंसिल हो जाएगा, अभी भी दो टर्म बच गए. कमॉन एग्रीड. Yes. Yes, sir. So, yes, it is very clear कि आपको लास्ट के दो टर्म तक लिखना चाहिए. मतलब पहले तो मैं लिखूंगा n माइनस 1 के लिए. सो 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 2, दैट इज n प्लस 1. और लास्ट टर्म विल बी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. तो हु इज स्मार्ट इनफ टू टेल मी कौन से दो टर्म बच जाएंगे लास्ट में? सर सो 1 अपॉन देखो पहले से 1 बाय n माइनस 1 और 8 बच रहा है. तो ये वाला और ये वाला बच जाएगा n प्लस 1 और n. यस सर. क्या सब एग्री कर रहे हैं यही बच जाएंगे? यस सर. यस सर. पैटर्न देखो हमेशा कौन से बचते हैं? सेकंड वाले पार्ट बच रहे हैं 1/7 1/8. तो उसी पैटर्न के हिसाब से दूसरे वाले दोनों टर्म बच जाएंगे. क्या ये सबको क्लियर है? वापस नहीं समझाऊंगा, पैटर्न देखना पड़ता है. सो देयरफॉर बताओ क्या क्या बच गए 1/2. अब आगे बोलते जाओ क्या क्या बच गया. कमॉन. 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2.
आगे बोलो माइनस वन बाय एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस टू सो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है भले यहीं पे छोड़ दो या ये कांस्टेंट को थोड़ा सिंपलीफाई करके छोड़ दो बस लीव इट एज इट इज क्या ये सबको क्लियर है कभी कभी कंसेक्यूटिव कैंसिल नहीं होंगे तो हमारी दुख दर्द थोड़ा बढ़ जाएगा हमारा मेहनत बढ़ जाएगी यस सर यस सर यस सर अच्छी तरह कॉपी करो कोई डाउट लेट मी नो एनीबॉडी एनी डाउट ओके आगे बढ़ रहे हैं फिर एक बार बच्चों टेलीस्कोपिक में कहां लिखा था हमने वापस उस पेज पे आते हैं देखना क्या लाइन लिखी है इन द न्यूमरेटर क्रिएट द डिफरेंस ऑफ द डिनोमिनेटर फैक्टर्स इफ देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स क्या करना देन टेक व्हाट एक्सट्रीम फैक्टर्स तो मतलब समझ गया मैं ये इस लाइन पे क्यों आया क्योंकि अब मैं कितने फैक्टर देने वाला हूँ दो से ज्यादा देने वाला हूँ तो यू विल ट्राई योर बेस्ट फाइंड द सम ऑफ 1 अपॉन 1 इनटू 3 इनटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इनटू 5 इनटू 7 5 into 7 into 9 plus up to n terms. चलो general term लिखो पहले तो फटाफट general term बिल्कुल आराम से लिख सकते हो 1, 3, 5 का तब तो याद हो जाना चाहिए सबको याद हो गया 135 का जनरल टर्म क्या होता है 2r minus 1 क्या होता है 2r minus 1 2r minus 1 याद कर लो यार अब तो एवरीवन लाउड वॉइस में जनरल टर्म बताओ क्या है पूरे क्वेश्चन का जनरल टर्म कम ऑन 1 अपॉन 1 अपॉन 2r minus 1 2r minus 1 2r plus 1 into 2r plus 3 क्या सबको क्लियर है दिस इज जनरल टर्म यस सर देखो हर टर्म में प्लस टू है ना एवरीवन यस सर यस सर कभी डाउट भी आएगा तो चेक कर सकते हो ना बच्चों आर को क्या रख के चेक कर लें बताओ वन वन नहीं वन मत रखा करो यार वन तो हमेशा करेक्ट ही आएगा नालायकों टू क्योंकि वो तो सबसे सिंपल होता है टू या थ्री रख के देखा करो चलो टू रख दिया बताओ फोर माइनस वन थ्री फोर प्लस वन फाइव 4 plus 3 is 7. यही है ना second term? Yes, sir. तो बिल्कुल सही लिखा है. चलो ये आ गया general term. अब split करना है तुम्हें पता है terms multiplication में है. याद करो हम difference of denominator factor लेते हैं याद. But यहाँ तो तीन factor है ना? Yes, sir. Yes, sir. Extreme. तो अब बताओ किस किस का difference लोगे? किसका? Come on. 2r minus 1. 2r minus 1. 2r plus 3. 2r plus 3. चलो करो continue. कमान उन दोनों का डिफरेंस कितना है फोर है
यस, फोर को किसका डिफरेंस लिख रहे हो एवरीवन? टू आर प्लस थ्री माइनस टू आर माइनस वन. बिल्कुल, स्प्लिट करो. वन बाय फोर, टू आर प्लस थ्री आएगा. नीचे तीन फैक्टर है तुम्हें पता है. टू आर प्लस थ्री कैंसिल कर दो डायरेक्टली, चलेगा सबको? आई होप चलेगा. यहाँ पे 2R माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा. क्या यहाँ तक सब आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं तुम्हारे इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वापस टेलीस्कोपिक बनाया दोनों में अलग अलग, या ये कंजुगेटिव टर्म्स ही दिख रहे हैं तुम्हें? कम ऑन, देखो ध्यान से. कम ऑन, सोचो. सर, दो का डिफरेंस है. दो का डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस नहीं होता, वो 2R भी तो है ना. अगर यहाँ पे R को R प्लस वन रख तो बताओ क्या नेक्स्ट टर्म आ रहा है क्या? देखो, या फिर इतना भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सबके देखो तो सही, क्या पता कैंसिल हो रहे हो. कम ऑन, ये सुनो. यस सर. चलो वैल्यू रख के देखो, R को वन रखा तो कितना आया? बोलो यार, गधों की तरह बैठे रहते हैं यार ये बच्चे. R को वन रखो, माइनस कितना है यहाँ पे? आर को वन रखने में थ्री इंटू फाइव. फिर आर को टू रखो यहाँ पे, कदो बोलो. वन बाय थ्री इंटू फाइव. बस इतना सा रख के भी थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है कि सही जा रहे नहीं जा रहे हैं. तो अब ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं ना, हमें तो शॉर्टकट याद है. ये तो कंजुगेटिव कैंसिल हो रहा है ना. कंजुगेटिव है. यस सर, कंजुगेटिव. तो अब तो शॉर्टकट से आंसर बताओ मुझे, कौन लोअर लिमिट है, कौन अपर लिमिट है, बताओ जल्दी से. फर्स्ट वन इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट? लोअर लिमिट. लोअर. सेकंड वन इज अपर लिमिट. अपर लिमिट. शॉर्टकट क्या होता है, हम लोअर लिमिट में आर को कितना रख देंगे? वन. कितना हो गया, कितना लिखूं? वन बाय थ्री. और अपर लिमिट में आर को कितना रख दूं? N. बस ये आंसर आ गया. बिल्कुल क्लियर? यस सर. सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द आंसर. अच्छी तरह कॉपी करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं. डोंट वरी. Yes, किसी को डाउट तो now you can ask. Yes sir. Sir, extreme से क्यों लेते हैं हम लोग? क्या बोल रहा है वापस, थोड़ा clearly बोला कर बच्चे. Sir, वो आपने कहा ना, we take the extremes जिन पे हम लोग वो apply करते हैं cancel करने के लिए. Extreme करते हैं ताकि दोनों telescopic बने, इसलिए. अगर बीच में करेगा तो कोई telescopic नहीं, फिर वो participate नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप के बनेंगे. यहाँ पे एक से बना, क्योंकि यहाँ पे छोटा चुप रहेगा. तूने पूछ लिया फिर बीच में क्यों बोल रहे बच्चे, मुझे तो बोलने दे. सॉरी. एक्सट्रीम इसमें लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देख एक्सट्रीम कैंसिल हो गया, तो क्या छोटे दो बचे. फिर यहाँ पे इसका लोअर लिमिट का एक्सट्रीम लिया तो लोअर कैंसिल हो गया तो अपर बचे. तो वही तो टेलीस्कोप होता है कि लोअर बचे फिर थोड़ा अपर बचे. तो यहाँ पे 2R प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2R माइनस 1 कैंसिल हो गया, वही टेलीस्कोपिक है. सर, वो जंबल अप भी तो हो सकता है ना. क्या होता है जंबल अप का मतलब? Like 1 into 3 into 5 दिया था denominator में, हम लोग ने 1 into 5 लिया, तो अगर 1 into 5 into 3 या कुछ ऐसा दिया होता तो extreme वो लिया होता तो तू अपने अक्ल लगाता कि extreme मतलब ये extreme हुआ जो maximum है और minimum है. तेरे लिखने से थोड़ा फर्क पड़ता है, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है वो लेना है.
अब तू तो कबाड़े की तरह लिख रहा है कि 1 into 3 into 5 है, तो उसको ऐसा लिख रहा है 5 into 1 into 3, तो 5 और 3 को तो ना लेंगे, 5 और 1 को ही लेना है, जो सबसे बड़ा टर्म है उससे सबसे ओके सर छोटा टर्म। ओके क्यों लेते हैं बच्चे, थोड़ा फील आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे छोटे दो बचेंगे, और यहाँ पे सबसे छोटा कैंसिल हो जाएगा तो बड़े दो बचेंगे, तो हमें यस कंसेक्यूटिव पैटर्न मिलेगा। ठीक है यस। चलो बच्चों ट्राई दिस, चार का दे दिया, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस अप टू इंफिनिटी डाल दिया मैंने, कमॉन बिल्कुल कर सकते हो। जनरल टर्म लिखो पहले तुम, जनरल टर्म लिखने में तो कोई भी इश्यू नहीं आना चाहिए। Yes, सबने क्या लिखा जनरल टर्म? Anybody? Sir, 1 upon r into r plus 1 into r plus 2 into r plus 3. Very good, Abraham. R into r plus 1. सबने यही लिखा ना? Yes, sir. Yes, sir. Limit, एक बार मुझे limit भी बोल दो. Limit कहाँ है? 1 से लेके कहाँ तक है? Infinity. Infinity. Very good. अब कौन से सबसे बड़ा टर्म, सबसे छोटा टर्म कौन सा है? R plus 3. करो. दोनों का difference 3 है, तो 3 create करके जल्दी से बढ़ो आगे. यस सबने स्प्लिट कर दिया, तो आई एम श्योर कर दिया होगा। स्प्लिट स्प्लिट करने के बाद बताओ क्या लिखा, 1/3 टाइम्स क्या लिखा बोलो, स्प्लिट करने के बाद 1/r into r plus 1 into r plus 2। वेरी गुड, माइनस माइनस 1/r plus 1 into r plus 2 into r plus 3। क्या यहाँ तक सब आ गए? यस सर। ओके क्या फील आ रही है, आर दे कंसेक्यूटिव? यस सर। बिल्कुल कंसेक्यूटिव है, तो भली एक्सपांड करो या शॉर्टकट लगा लो, जो तुम्हारी इच्छा है करो, कम ऑन आंसर लिखो फाइनल, मुझे इन्फिनिटी तक है याद रखना। बिल्कुल करेक्ट प्रीत, रोहन इन्फिनिटी बोल गया था नालायक है ना। Thank you.
बिल्कुल करेक्ट रोहन, करेक्ट प्रशांत, करेक्ट अनिश, इब्राहिम करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, सुदीप नो, यस। अब बताओ एक्सपांड करूंगा तो लोअर लिमिट कहां पे डालूंगा, यहाँ पे? यस। यहाँ पे अपर लिमिट, तो यू टेल मी क्या आंसर लिखूं। लोअर लिमिट डाला 1/1, आर को 1 डालना है, इनटू 1+1 2 इनटू 3, और यहाँ पे आर को इनफिनिटी डालना है। इनफिनिटी प्लस 1 कितना होता है? इनफिनिटी। इनफिनिटी इनटू एनीथिंग इज इनफिनिटी ना? यस सर। और 1/ इनफिनिटी कितना होता है? 0। 0। तो मतलब आंसर सिर्फ इससे आने वाला है 1/6 into 3, final answer is 1/18. क्या सबको क्लियर है? Yes sir. Yes sir. बिल्कुल करेक्ट बादल, कोई डाउट है तो लेट मी नो। अब तो टेलीस्कोपिक की अच्छी खासी फील आ गई बच्चों। Yes sir. सबका हो गया कॉपी? एवरीवन डन? ठीक है। एक अब मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टफर वाला ले रहा हूं मैं, तो मैं ट्राई करना, तुम करना, बोले तुम्हारी इच्छा है। क्या ट्राई करने की इच्छा है? यस सर। चलो करो, थोड़ा सा अलग टाइप का दे रहा हूं। 1/1 × 3 प्लस 2/1 × 3 × 5 प्लस 3/1 × 3 × 5 × 7 प्लस 4/1 × 3 × 5 × 7 × 9 एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स। इब्राहिम 1/∞ 0 होता है, ये फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते आ रहा है। वन बाय बहुत 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 बड़ा नंबर किसकी तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ। जनरल टर्म लिख के बताओ, आई विल बी वेरी हैप्पी। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद है सबको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। तो हम आर इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, अच्छा 1 से स्टार्ट होता है 2 तक जाता है। हम आर इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, अच्छा 1 से स्टार्ट होता है 3 तक जाता है। वैसे ही पैटर्न है देखो यहाँ पे भी, हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है। कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। अब इस टॉपिक में क्या बचा है? एक ही टॉपिक बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक। क्या बचा है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक। तो टेलीस्कोपिक हमने कर लिया, अब ऐसे ही क्वेश्चन जिसमें ट्रिगो भी आएगा तो वो हम कल करेंगे, और एक दो टफ क्वेश्चन और करेंगे। ओके, सब बच्चों ने जनरल टर्म लिखने की कोशिश करी? Yes, sir. So general term will be what? 1/ अच्छा सबको ये पता होना चाहिए, YouTube की प्लेलिस्ट है ना, वहां पे सारे लेक्चर्स हैं, तो सारे ऑर्डर में वहां से हमेशा देख ही सकते हो। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir.
तो जनरल टर्म में तो सबको दिख रहा है, अच्छा 1 2 3 4 ऊपर तो पक्का हो गया, कौन आएगा कमॉन? एन आर आर, बिल्कुल सही आर। और नीचे कैसा पैटर्न आएगा? 1 3 5 7 अप टू कहां तक? 3 के कारण 7 आ रहा है, 5 के कारण 9 आ रहा है, 2 के कारण 5 आ रहा है, एनीबॉडी? 2R+1। वेरी गुड यार, मस्त। अगर कोई नहीं सोच पा रहा है तो वो उसका जनरल टर्म निकाल ही सकता है ना, कमॉन लास्ट टर्म्स का, कमॉन एग्री करो? यस सर। 3 5 7 9 का लास्ट जनरल टर्म निकालो मेथड ऑफ डिफरेंस से, तो 2R+1 आ जाएगा। देखो चेक कर लो भली, आर को 1 रखा 3, आर को 2 रखा 5, क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है? यस सर। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है? यस सर। यस सर। अब तो कर सकते हो यार, कमा कोशिश करो। मैंने बताया हुआ है तुम्हें फंडा, व्हेन डिनोमिनेटर में फैक्टर ज्यादा हो टेक द एनीबॉडी एक्सट्रीम फैक्टर, एक्सट्रीम फैक्टर्स करो, करो कोशिश, कमॉन 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 कमॉन। Who are the extreme factors? 1 and 2 R plus. दोनों का difference बच्चे कितना है? 2R. ऊपर मुझे R दिख रहा है तो 2R बना सकते हो ना? Yes sir. Yes, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाओ, come on. Yes, 2R को सबको पता है इतना तो कि मैं 2R+1-1 लिखूंगा, उसके बाद मुझे स्प्लिट करके लिख के बताओ डिनोमिनेटर में 2R+1 से पहला वाला कौन सा टर्म होगा बच्चों? एनीबॉडी? 2R+1 से जस्ट पहला वाला टर्म कौन सा होगा नीचे? 2R-1। चलो आगे बढ़ो, स्प्लिट करो। Come on, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट तो भी हमें फ्लो मिल रहा है ना करने का, एवरीवन? यस सर। यस सर। तो सारे अच्छे बच्चे जो यूजुअली मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, बताओ क्या तुम्हें दिख रहा है क्या ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ही हैं? कम ऑन देखो। हाँ सर। यस सर। तो अभी शॉर्टकट नहीं लगाते हैं क्योंकि वी आर लिटिल बिट डाउटफुल कि कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉपरली एक्सपांड कर लें। यस सर। हाँ तो चलो टर्म्स लिख के बताओ, आर इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, आर इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, कम ऑन। और ऐसे क्वेश्चन जल्द यूजुअली वो इन्फिनिटी तक कर देते हैं वैसे भी। यस एवरीवन एक्सपांडेड प्रॉपरली। यस कौन बताएगा? एन को आर को 1 रखने से क्या आएगा? आर को 1 रखने से 1 3 5 के पैटर्न में कब तक? 1 तक, मतलब क्या लिखूं? 1 by 1 ही आएगा बस। देन आर को 1 रखने से यहाँ पे कब तक आएगा? 1 3 5 अप टू 2+1 3 तक, मतलब क्या लिखूं? 1 by 1 into 3। क्या ये सबको समझ में आता है कि आर इक्वल टू 1 से ही आएगा एवरीवन? यस सर। यस सर। क्लियर है तनिष को? क्लियर है? व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ चल क्लियर, बाकी सबको क्लियर? यस सर। यस सर। प्रशांत को क्लियर? यस सर। ओके आर को 2 रख के बताओ क्या लिखोगे, बताओ आर को 2 रखने से 1 3 5 का पैटर्न 2 into 2 4-1 3 तक, मतलब 1/1 into 3।
आर को टू रखने से फोर प्लस वन फाइव तक, मतलब वन अपॉन थ्री इंटू फाइव. आई होप यू आर विथ मी. यस सर. तो सबको देखी गया पैटर्न, कंसेक्यूटिव कैंसिल हो रहे हैं ना. यस सर. तो बस आर को एन रख दो डायरेक्टली. यहाँ पे जो भी बचेगा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है वो कैंसिल हो जाएगा. वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू कहाँ तक, कहाँ तक एनी बड़ी. फाइनल आंसर इज 1 बाय 2 इनटू 1 माइनस 1 इनटू 3 इनटू 5 इनटू 2n प्लस 1 इज द आंसर. ऐसे ही छोड़ते हैं इसको, कुछ नहीं करते हैं. अगर मुझे एग्जाम में पूछना होगा तो मैं इंफिनिटी तक का पूछ लूंगा. बताओ इंफिनिटी तक का आंसर क्या हो जाएगा. ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट नाउ. हाफ. बस ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, आंसर हाफ हो जाएगा, आंसर हाफ हो जाएगा. अच्छी तरह कॉपी करो. आज की क्लास के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे लिख के. एग्रीड? बिफोर अटेंडिंग द प्रैक्टिस शीट बिल्कुल रिवाइज करेंगे. किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें? सर वो 1/1.3.5 इसको हम लोग कोई जनरल टर्म में नहीं लिख सकते? लिख दिया ना जनरल टर्म, बस ऐसा ही आता है. मतलब उसका वैल्यू नहीं निकाल सकता तू ऐसा सोच रहा है तो? नो, वैल्यू तो n पे से आएगा. n के टर्म्स में आएगा इसलिए ऐसे ही लिखते हैं 1 3 5 2 n+1. सर एक बार पूरा सॉल्यूशन दिखाओ. तूने लिखा होगा ना पहले, कि स्टेप्स को नहीं लिखे फिर? चल देख ले. यस ऑल ऑफ यू डन? यस सर. अच्छा इसी के जैसा मैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होमवर्क में दूं तो अच्छी तरह डिसेंट ट्राई करके आओगे इससे से थोड़ा सा और बेटर? Yes, sir. मतलब नोट्स अच्छी तरह रिवाइज करोगे और फिर वो करने की कोशिश करोगे, वो हो जाएगा तो यू आर नाउ ऑन द टॉप ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज. ठीक है? Okay. ये बिल्कुल ट्राई करके अच्छी तरह आना, कम से कम 20-25 मिनट देना, उससे पहले हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. थोड़ा बहुत पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है, बताओ. हाँ सर. ये क्वेश्चन होमवर्क है और बाकी होमवर्क सुन लो. सबसे पहले नोट्स रिवाइज करना है, क्लास होमवर्क करना है. एमपीएस मैंने कल दो भेजी है, सबने ग्रुप देखा? यस सर. हाँ सर. एमपीएस 9 भेजी है तो चुप रहे. एमपीएस 9 भेजी है जो एएमजीएम पे है. 10 भेजी है या 8 भेजी, कौन सी भेजी? 8 भेजी. 8 और 9 भेजी. ओके एमपीएस 8 भेजी वो एएमजीएम पे है, एमपीएस 9 भेजी जो एजीपी पे है, फिर आज 10 और 11 भेज रहा हूँ. 10 किस पे होगी गेस करो? जनरल समेशन और एमओडी पे, करेक्ट और नॉट? यस सर. यस सर. और 11 किस पे होगी बताओ? टेलीस्कोपिक. टेलीस्कोपिक. तो सबसे पहले आज कौन सी प्रैक्टिस शीट करोगे बताओ? 11 करोगे और फिर 10 करना. ठीक है, फिर जितना टाइम मिले तो 9 और 8 करना. क्लियर है एवरीवन? ओके सर. फिर कल इसका डिस्कशन. सुन लिया क्या बोला मैंने? सबसे पहले 11 करोगे फिर 10 करोगे. ठीक है? यस सर. हां और फिर बुकलेट का होमवर्क तो करते रहना. वेडनेसडे का हमारा डाउट सेशन है, डिस्कस करेंगे. तब तक कोशिश करो कि सारा होमवर्क करने की. बताओ क्लियर सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और YouTube playlist के बारे में मैं पहले, जब से पहले मैं बोल चुका हूँ कि मैं YouTube playlist सिर्फ संडे को अपलोड करता हूँ. Did I tell you or not? तो संडे या every 2 weeks अपलोड करता हूँ. अब मैं चैप्टर जब फिनिश होगा तभी मैं उसको रिफ्रेश करूंगा. ठीक है? हाँ सर. हाँ चलो, that's it for today. You can go बच्चों, bye bye.